ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। कवि सम्मेलन अपनी बिल्कुल शबाब पर है, मैं कहूंगा कवि सम्मेलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। और अभी हमारे वे बड़े शेष हैं जिनको सुनने के लिए मैं स्वयं लालायित हूँ। आदरणीय रविंद्रता तक हमको जाना है, आदरणीय दीपदा तक हमको पहुंचना है। उसी क्रम की अभी हम यात्रा की श्रृंखला में हैं और मैं अब जिस कवि को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, अपने मन को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, क्योंकि वो कवि और उस कवि की कविता बहुत ही नाजुक है। मैं ये कहूंगा कि जैसे किसी शांत सरोवर में आप एक हल्की सी छोटी सी कंकड़ी फेंकें तो जिस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो कवि की कविताएं भी बिल्कुल ऐसी ही हैं जो आपके दिलों के शांत सरोवर में उसी कंकड़ी की भांति स्पंदन पैदा कर देगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे बहुत प्रिय भाई संदीप सुरीला की। चूंकि उसका नाम सुरीला है, वो आपको पता भी लग जाएगा कि यह सुरीला तखल्लुस क्यों है। जब वो गाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कोयल यहाँ पर गूंज रही है, कोई विरहिणी अपने प्रेमी को याद कर रही है। माता का ये पवित्र मंच है और मैं चाहता हूँ कि अपने उसी प्यारे से गीतकार। और दोस्तों, एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ। गोंडा में पहली बार आया, मुझे मैं कहूं कि ग्रामीण परिक्षेत्रों में कवि सम्मेलन करने का अनुभव कम है, यह मेरा दुर्भाग्य है। क्योंकि जिस मन से आप लोगों ने यह कवि सम्मेलन सुना है, हमारे घरों की लज्जाएं रात्रि के इस पहर तक यहां पर उपस्थित होकर के कवि सम्मेलन सुन रही हैं, यह मेरे लिए भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्या बात है गोंडा, अगर मैं गोंडा नहीं आता। किसी शायर ने लिखा था कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूं, ना आता तो बड़ा नुकसान होता। तेरी महफिल में आकर नाता तो बड़ा नुकसान होता। ये तो भाई उमेश सोनी की मेहनत है, संदीप का आमंत्रण है कि जो मैं यहाँ तक खिंचा चला आया और आप लोगों का इतना अच्छा, इतने अच्छे श्रोता मुझे सुनने को मिले। मैं बड़ी देर से आया, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा कि गोंडा जैसी पवित्र जगह पर मैं इतनी लेट आया, इतनी देरी से आपके बीच पहुंचा। बहरहाल मैं एक कवि की भूमिका बना रहा था और उस कवि की भूमिका में मैं बस केवल इतना कहूंगा कि थक के बैठे परिंदे को परवाज दूं, थक के बैठे परिंदे को परवाज दूं, मन मिलाओ तो तुमको नया साज दूं, आपके दिल में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। कृष्ण की एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कविता सुनाना और गीत सुनाना उसको बड़ी अच्छी तरह आता है। और ये आपके गोंडा की आंगन की तुलसियां हैं। देखिए, अतिथियों को तो हम सम्मान देते ही देते हैं, लेकिन अतिथियों के साथ में एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की, अपने आंगन की तुलसियों की भी पूजा की जाए। यदि आपका आशीर्वाद इसको मिल जाएगा तो बहुत जल्द ही ये सभी बालक पूरे देश में इस गोंडा का नाम अमर कर देंगे, ये दावा करता हूं। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई संदीप सुरीला। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आप सभी इतना अच्छा, इतना मन से सुन रहे हैं, इसके लिए आप सबको विशेष धन्यवाद। मैं चार पंक्तियां इस देश को समर्पित करके अपनी मूल विधा पर आता हूं। हमारी, हमें ऐसा ताना दिया जाता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़ रही है, वो हाथ से निकल गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो अपनी प्रेमिका से प्यार कर सकता है, जो अपनी माँ से प्यार कर सकता है, वो इस देश से भी प्यार कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। चार पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बोल नफरत के रट नहीं सकते, बोल नफरत के रट नहीं सकते, प्यार बाटेंगे बट नहीं सकते, प्यार बाटेंगे बट नहीं सकते। देश पर मरने का मिले अवसर, देश पर मरने का मिले अवसर,
हम वो लड़के हैं हट नहीं सकते, हम वो लड़के हैं हट नहीं सकते। हमारे धर्मवीर भैया बैठे हैं, मैं आपको चार पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। स्वागत। चार पंक्तियां मैं श्रृंगार की सुना रहा हूं। हम अपनी प्रेमिकाओं से और क्या उम्मीद करते हैं, सुनिएगा। भाग्य अपना मैं जगाना चाहता हूँ, भाग्य अपना मैं जगाना चाहता हूँ, जिंदगी भर मुस्कुराना चाहता हूँ, जिंदगी भर मुस्कुराना चाहता हूँ, अपनी एक पहचान के सिंदूर से, अपनी एक पहचान के सिंदूर से मांग मैं तेरी सजाना चाहता हूँ, मांग मैं तेरी सजाना चाहता हूँ। चार पंक्तियां और सुन लीजिए। औरों के मुझको सहारे कर दिया, औरों के मुझको सहारे कर दिया, गम सभी मेरे हवाले कर दिया, गम सभी मेरे हवाले कर दिया, एक पल तुमसे किनारा क्या हुआ, एक पल तुमसे किनारा क्या हुआ, तुमने तो मुझको किनारे कर दिया, तुमने तो मुझको किनारे कर दिया। चार पंक्तियां और मैं सुनाता हूँ। हम आजकल विद्यालय में जाते तो ये हमारी ऐसा होता है कि जब हम विद्यालय में किसी लड़की का खत पढ़ लेते हैं या उसका लेटर पढ़ लेते हैं या उसका दिया हुआ कुछ पढ़ लेते हैं, तो फिर हम एक हफ्ते एक महीने तक पढ़ाई नहीं करते। चार पंक्तियां तब मैंने इस अनुभव पर लिखा है, सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कुछ भी गढ़ने कमन नहीं करता, कुछ भी गढ़ने कमन नहीं करता, तुझसे लड़ने कमन नहीं करता, तुझसे लड़ने कमन नहीं करता, प्यार का जब से खत पढ़ा तेरा, प्यार का जब से खत पढ़ा तेरा, कुछ भी पढ़ने कमन नहीं करता, कुछ भी पढ़ने कमन नहीं करता। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ, ये आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो इस दुनिया को छोड़ के उससे कह दीजिए, क्योंकि हमें जिंदगी में किसी ना किसी चीज को खोने का मलाल जरूर रहता है, उस मलाल को कभी मलाल मत होने देना। चार पंक्तियां देता हूँ। स्वागत। धाम लिखने से कुछ नहीं होगा, धाम लिखने से कुछ नहीं होगा, काम लिखने से कुछ नहीं होगा, काम लिखने से कुछ नहीं होगा, गर तुम्हें प्यार है इजहार करो, गर तुम्हें प्यार है इजहार करो,
नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। कमजोर तालियां हैं आपके, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतनी शानदार कविता पढ़ रहा है, वाह, नहीं होगा। चार पंक्तियां मैंने यूपीएससी पर कभी लिखा था, उस मुक्तक पर मुझे बहुत सारा प्यार मिला। वो मुक्तक आप सबको सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। काश ऐसा कमाल हो जाए, काश ऐसा कमाल हो जाए, दिल मेरा माला माल हो जाए, दिल मेरा माला माल हो जाए, यूपीएससी भी टॉप कर जाऊं, यूपीएससी भी टॉप कर जाऊं, उसका चेहरा सवाल हो जाए, उसका चेहरा सवाल हो जाए, उसका चेहरा सवाल हो जाए। एक गीत मैं आप सबको सुनाता हूँ। इस गीत की छोटी सी भूमिका ये है, जब हम किसी मेले में या किसी भी समारोह में किसी को देखते हैं, जब मुझको उससे प्रेम हो जाता है, और जब हमको उसका नाम ना पता, मुझे कुछ नहीं मालूम होता है, तो हम हवा से उसको ढूंढने की गुजारिश करते हैं। क्या गुजारिश करते हैं, मैं गीत के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। गीत में जुड़िएगा, बहुत आनंद आइएगा। ताल से ताल मिलाकर मेरे गीत में आप सब साथ दीजिएगा, सुनिएगा गीत। स्वागत। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ढूंढता हूँ न जाने कब से उसके घर का पता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। एक बार आप सब जोरदार तालियों से इस पे साथ दीजिएगा। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ढूंढता हूँ न जाने कब से उसके घर का पता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। हमने ढूंढा कहाँ कहाँ, सुनिएगा। पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, प्यार के हर मंदिर में ढूंढा, प्यार के हर मंदिर में ढूंढा, दिल पर दस्तक देने वाली जान हमारी लेने वाली, दिल पर दस्तक देने वाली जान हमारी लेने वाली, हो गया प्यार सनम इसमें है क्या मेरी खता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ढूंढता हूँ न जाने कब से उसके घर का पता, ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। हवा को उसकी पहचान बता रहा हूँ, सुनिएगा कैसी थी वो। लाल दुपट्टे वाली थी वो, लाल दुपट्टे वाली थी वो, गोरे गालों वाली थी वो, गोरे गालों वाली थी वो, झील सी आंखें सुंदर मुखड़ा, चांद का जैसे थी वो टुकड़ा, चांद का जैसे
थी वो टुकड़ा, उसकी जुल्फे थी जैसे प्यार के सावन की घटा। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ढूंढता हूँ न जाने कब से उसके घर का पता। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। भाई एक बार जोरदार तालियां बजाइए जरा, पूरे मन से सुनिए, बच्चा कितने मन से सुना रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जब बहुत ढूंढ चुका उसे, तब कहा बेटे अब रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। तब मैं अपने मन को क्या दिलासा दिलाता हूँ, क्या तसल्ली देता हूँ, सुनिएगा कि हमारा मन तो कहीं भी बहल जाता है, किसी भी देख लो तो वो पानी पानी हो जाता है। सुनिएगा। अच्छा। मन तो बस भोला भाला है, मन तो बस भोला भाला है, प्रेम में देखो मतवाला है, प्रेम में देखो मतवाला है, दिल नादान है समझ न पाए, हर किसी से दिल ये लगाए, हर किसी से दिल ये लगाए, नफरतों से भरी जमी पर सदा प्यार लुटा। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता, ढूंढता हूँ न जाने कब से उसके घर का पता। ऐ हवा मुझको बता, ऐ हवा मुझको बता। भाई जोरदार तालियां एक बार जरा भाई संदीप सुरीला के लिए। और जो लोग जाने के क्रम में हैं, मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो कहा मैंने अभी तक अनकहा उससे अधिक है, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने की थी जो मुझ पर मेहरबानी, लिख रहा था पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम भी जान जाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। अब जितने भी लोग शेष हैं वो सारे के सारे लोग विशेष हैं, और मैं चाहता हूं कि ये कवि सम्मेलन अपने अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा लोग शेष नहीं हैं, और अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मुझे आश्वस्त करें कि जितने श्रोता यहां पर हैं वो यहां पर अंत तक बने रहेंगे। किशन तिवारी जी की तरफ से संदीप सुरीला भाई को ये 50 रुपए आप भाई के सम्मान में